हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे हस्तरेखा गुरु में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको हथेली के विशेष पर्वत चंद पर्वत के बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जिस भी हथेली में चंद पर्वत अच्छे उभार में या अच्छे विकसित पाए जाते हैं उनका क्या महत्व है। तो इससे पहले आप ये जान लें कि आपके हाथ में चंद्र पर्वत का स्थान कहाँ है, चंद्र पर्वत का स्थान कहाँ है आप ये जान लें। आप अपने हथेली को देखें और हथेली के दूसरे छोर में जीवन रेखा से बाएं भाग में, जीवन रेखा से ये हमारी जीवन रेखा है, इससे बाएं भाग में जिस स्थान को हमने घेरा है उसे चंद्र पर्वत कहते हैं। अगर हथेली में आप देखें तो चंद्र पर्वत का क्षेत्र ये होगा, जी चंद्र पर्वत का क्षेत्र ये होगा। हाथ जीवन रेखा से बाएं भाग में जो हमारा पर्वत है एकदम इन फ्रंट शुक्र पर्वत के सामने, ये हमारा शुक्र पर्वत है। इस पर्वत के सामने ही जो पर्वत है उसे चंद्र पर्वत कहते हैं। और चंद्र पर्वत के राज हम आपको बताएंगे, इसके रहस्य बताएंगे आपको, बड़े विचित्र अनोखे राज छुपाता है चंद्र पर्वत, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो जीवन रेखा के इस भाग में चंद्र पर्वत होता है। जिन व्यक्तियों के चंद्र पर्वत अच्छे पाए गए हैं, उभार युक्त हैं अर्थात थोड़े विकसित रूप में हैं, ऐसे व्यक्ति सदाचारी मधुरभाषी दयालु प्रकृति के हसोड़ प्रकृति के पाए जाते हैं, धनवान भी होते हैं, काल्पनिक शक्ति होती है, भ्रमणशील होते हैं, मातृ सुखयुक्त होते हैं और अच्छे तैराक भी पाए जाते हैं। यदि चंद्र पर्वत अधिक उभरा हुआ हो अर्थात अति इसकी हो गई हो, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, इसी प्रकार यदि चंद्र पर्वत अत्यधिक उभरा हुआ हो, बहुत ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता हो तो ऐसे लोग दुर्गुणी होते हैं अर्थात जातक झूठ बोलने वाला होता है, व्यवसनी होता है, मूर्ख भी हो सकता है, आलसी भी हो सकता है। यदि चंद्र पर्वत बहुत नीचा है अर्थात उठा ही नहीं, एकदम सपाट है तो ऐसे व्यक्ति जो है काल्पनिक शक्ति थोड़ी सी कम होती है, ऐसे व्यक्ति आस्थिर चित वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा सोच बैठते हैं, रूखे स्वभाव वाले होते हैं, कल्पना शक्ति से रहित होते हैं। यही चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ चंद्र पर्वत के रहस्य में, कि यदि चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत दोनों पर्वत उभार हैं, बाकी सब पर्वत मीडियम है अर्थात सब पर्वत दबे हुए हैं, वो उभार में नहीं है, बहुत कम हथेलियों में ऐसा मिलता है, लेकिन ये चंद्र पर्वत का रहस्य है, मेरे द्वारा देखा गया हाथ है। एक जातक मेरे पास आया था हाथ दिखाने, जिसके हाथ में ऐसा मिला हमको, जिस और मैंने देखा और बताया भी सारी चीज़ें। तो जब चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत ही खाली उठे हुए हों, अच्छे उभार वाले हों, तो ऐसे व्यक्ति बहुत धनवान होते हैं एवं अच्छा सुख भोगते हैं। केवल चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत अच्छे उभार हों अर्थात दोनों उठे हुए हों, विकास रूप में हों, उभरे हुए हों, तो ऐसे जातक धनवान होते हैं।